शहर में साफ सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर पालिका द्वारा सफाई ठेका दिया जाता है। वर्तमान में नए ठेकेदार ने कामकाज संभालते ही ठेका पद्धति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को नए नियमों के खिलाफ कर्मचारी नगरपालिका सीएमओ से मिलने पहुंचे। शाकिर हुसैन संजय करोसिया ने बताया कि करीब 70 लोग ठेका पद्धति पर काम कर रहे हैं। नई ठेका कंपनी इसमें छटनी करने के साथ ही इनसे पुलिस वेरिफिकेशन सहित कई दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। बढ़ती आबादी के बावजूद कर्मचारी बढ़ाने के बजाय कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। उनकी मांग है कि कर्मचारियों को कलेक्टर तर्ज पर मजदूरी देने के साथ ही दस्तावेजों की खानापूर्ति में कमी की जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कर्मचारी जब काम कर रहे थे और अभी इस वर्ष के अंदर जो ठेकेदार को जो ठेका दिया गया है तो उन्होंने नया नियम लागू कर दिया गया है कि भाई थाने से अपना तुम्हारा रिकॉर्ड बना के लेके आए, उसके अंदर तुम्हारी पासपोर्ट फोटो दिए जाए, आधार कार्ड दी जाए, वोटर आई डी दी जाए, उसके बाद में 70 कर्मचारियों को जो हम रखेंगे उसके बाद में हमारे नियम अनुसार चलना पड़ेगा, आप हड़ताल नहीं कर सकते हो। उसके बाद में ये भी कहा उन्होंने कि भाई 3 दिन का अवकाश लेते हो तुम तो तुम्हारे को 3 दिन पहले हमारे को सूचना देना पड़ेगी। तो हम ये सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, पर हमारे कहने का मतलब यूँ पड़ते हैं कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है स्वास्थ्य अधिकारी से द्वारा रहता है कि जो भी सफाई कर्मचारी रहेगा किसी को भी ठेका दिया जाएगा तो सफाई कर्मचारी का प्रभारी अधिकारी है तो स्वास्थ्य अधिकारी। हमने स्वास्थ्य अधिकारी से बात करी, स्वास्थ्य अधिकारी ने ये कहा है कि हम जो कुछ भी है मैडम प्रियंका मैडम निर्णय लेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रियंका मैडम निर्णय लेगी, चाहे जिसको तुम ठेका दे दोगे तो इसका मतलब नगर पालिका को ताला लगाना पड़ेगा। भाई हमारा कर्मचारी का वजूद कैसे चलता है, हमारा नगर पालिका के प्रभारी अधिकारी से चलता है, हम ठेकेदार वो क्या जाने। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई यदि कभी कोई भी ठेकेदार काम हमारे से कभी करवाना चाहता है, यदि कभी नगर पालिका ठेका देना चाहती है तो हमारे जो भी कर्मचारी रहे उसको कलेक्टर रेट दिया जाए और उसको समय समय पर वेतन दिया जाए। और जो समय पे के ऊपर जो प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत में जो सुविधा का लाभ मिल रहा है वो लाभ दिया जाए। पर हमारे यही प्रार्थना उनसे क्या करना, समस्या हल नहीं होती तो क्या करोगे आप? समस्या कभी हल नहीं होगी तो हम तो खरगोन जिला के अंदर पूरा हड़ताल कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय करोसिया है, वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे 70 सफाई कर्मचारी जो कि 7 से 8 वर्ष से अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, एक नया साई विजन का ठेका हुआ है तो साई विजन वालों ने एक नया नियम उसमें लागू कर दिया है जो अपने सफाई कर्मचारी देने से वंचित रहेंगे। वो ये है, एक तो 70 लोग में से उन्होंने कहा कि 60 लोगों को रखेंगे। अब ये 70 लोग बेचारे 2 वर्षों से मतलब दोनों 7 वर्षों से दोनों कोरोना महामारी में उन्होंने अपनी ईमानदारी से वो काम किया है, लेकिन आज वो जो ठेकेदार है वो इनको बंद करने की बात कर रहा है। जबकि जनसंख्या खरगोन शहर की लगभग 2.25 लाख हो गई है, उसके बावजूद जो है कर्मचारी बढ़ाने की बजाय घटाने की बात ठेकेदार कर रहा है। हम सीएमओ मैडम प्रियंका पटेल जी से निवेदन करने के लिए आए हैं कि ये जो 70 कर्मचारी हैं इनको यथावत पूरी तरीके से रखा जाए और कलेक्टर रेट इन्हें दिया जाए और ये जो अनिगल तरीके से जो कागज़ मांग रहे हैं ये कागजों की खानापूर्ति को खत्म किया जाए। क्या है कागज में? इसमें पहली शर्त ये लिखी, संस्था द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पश्चात पुलिस थाना से चरित्र प्रमाण पत्र एवं मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कितने लोग बाहर हो रहे हैं इसमें? लगभग कम से कम 20 से 25 लोग बाहर बेरोजगार हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो ये 70 लोग बेचारे जो काम कर रहे हैं, बाकी डॉक्यूमेंट से जो आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, खाता नंबर है, निवासी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सब प्रस्तुत करने के लिए हम तैयार हैं। क्या नाम है आपका? नहीं अभी फिलहाल में तो शिकायत नहीं कही है, पर हमारे कहने का मतलब नहीं हुआ कि इतने वर्ष। क्या नाम है आपका? शाकिर हुसैन, जिला सफाई कर्मचारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।